लिया जी हम जगी से आगे ठीक और अड़पटे गहूँ कि लार और कुछ नहीं सुखना थी और बच्चों का कपड़े जो इन सुखान पड़ना चाहिए कि 10 बजे धूप आते 11:30-12 बजे चल जाते देखे जाते अड़पट है चल चल टपला पेन ओ नया टप्पा नया टपला सावा सावा सा बड़ चो बड़ बड़ आदमी से ओ बेटे ये हमारा रोनाल्डो है ना कुछ है इन वो रोनाल्डो हाँ लाडो डोडो तू बहन से मिल रहे चल चल पिसाया कर दो आ जा पिसाया कर दो ये तो पकड़ मम्मी जानू था ना चल दे। हेलो पहाड़ी जंक्शन फैमिली कैसे आप सब, मैं सुनील हाजिर हूँ आज फिर से एक और नया ब्लॉग लेके और बीरोखाल ब्लॉग के कोलरी तल्ली गांव से आप सबका इस नए ब्लॉग में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज का वीडियो थोड़ा दुखदायी होने वाला है, उतना अच्छा नहीं होने वाला है क्योंकि आपने टाइटल और थंबनेल देख लिया होगा। तो 2-3 दिन पहले जो भोला है उस वो बहुत ज़्यादा जख्मी हो गया था, कैसे हुआ वो आपको आगे बताऊंगा वीडियो में और मैं अभी उसकी दवाई करने वाला हूं। और वैसे डॉक्टर बुलाता मैं, वो बहुत ज़्यादा जख्मी था लेकिन डॉक्टर साहब गए हैं देहरादून, गए थे ट्रेनिंग के लिए, यहाँ पे है नहीं तो फिलहाल कुछ देसी जुगाड़ करते हैं ताकि उसका पैर ठीक हो जाए, उसके जख्म ठीक हो जाए। तो पहले मुझे जाना पड़ेगा ताछीखाल चक्की में गेहूं पिसवाने के लिए और वहाँ से आने के बाद करूँगा उसकी दवाई दारू, मतलब दवाई दारू नहीं। तो ये है मेरी कैप्टन वाली टोपी, तो ठंड के हिसाब से तो नहीं है ठीक लेकिन स्टाइल के हिसाब से आई थिंक दिस इज मच बेटर। हाँ तो ये भी और ये भी मैच कर रहा है ठीक ठाक और इसी को पहन के मैं जाता हूँ और ये टोपी यहीं रहने देता हूँ और ये इसको पिसवा के आता हूँ जल्दी से, मतलब पिसाने के लिए दे दूँगा, पिसेगा तो कल तक। तो अब चलते हैं हम आगे और शुरू करते हैं अपना ब्लॉग। तो मुझे पिसवाने जाना है वो ऊपर धार में, आपको दिख रहा होगा टावर और मेरा जो घर है वो यहाँ है। तो इतना डिस्टेंस करके तय करके और एक बढ़िया चढ़ाई जो है मुझे चढ़नी है और ये घर है मेरे उन चाचा जी का जिनको आपने पिछली वीडियो में देखा होगा और अब तो वो जा चुके हैं। तो चलो चक्की वाले भाई साहब तो है नहीं, अब देखते हैं कल कोलरी लेके जाता हूँ या भटवाड़ो, अभी ले जाना पड़ रहा है वापस घर में। आगे तो ही सारे मोहन बंदे। तो दोस्तों हुआ ये कि इसको बैल ने नीचे गिरा दिया, नीचे कहाँ मतलब गौशाला के पीछे गिरा दिया जहाँ ये फंस गया और निकलते निकलते ये इतना जख्मी हो गया। और जिस दिन इसको चोट लगी थी उस दिन हमने थोड़ी सी दवाई इसकी कर दी थी, दवाई पट्टी, अब देखते हैं कितना फ़र्क उस दवाई से हुआ है। और फिर आज हम जो है नई दवाई इसकी करने वाले हैं और ये जो पशुपालन विभाग से डॉक्टर मनीष आए थे तो उन्होंने जो है हमें ये ट्यूब दी थी बकरी के पैर पे लगाने की, उस दिन बकरी का पैर कटा था वही इसको लगा रहे हैं, क्या पता उससे भी ठीक हो जाए। तो चलिए आज अपने चेस्ट माउंट को ले लेते हैं काम में। तो ये है हमारा चेस्ट माउंट, अब इसको लगा देते हैं इस पे। तो दोस्तों इस थैली में ये है एक पेड़ की छाल है
और जिस पेड़ की ये छाल है उसको गींठी बोला जाता है हमारी पहाड़ी में। तो ये बहुत ही कारगर औषधि है टूटी हुई चीज़ के लिए। एक बार मेरा हाथ टूट गया था, उस पर भी हमने यही लगाया था और मेरा हाथ सही हो गया था। इससे पकता नहीं है, कोई इन्फेक्शन नहीं होता और बिल्कुल आयुर्वेदिक ये छाल है। तो डॉक्टर साहब तो नहीं है फिलहाल, हम अपने भोला की इसी से करेंगे मरम्मत। और बेचारे को जो उतने दिन से खिला पिला रखा था वो सारा इस इंसिडेंट में बेकार हो गया। तो चलो इसको, इसका हम क्या करेंगे, ये जो हार्ड छाल है इसको हटा देंगे और ये जो अंदर की रेड रेड है ऑरेंज कलर की, इसको हम पीसेंगे बढ़िया से और फिर पट्टी कर देंगे इससे। वो कैसे, बने रहिए वीडियो के साथ, आगे आप लोग देखने वाले हैं। एक बार बड़ा बड़ा इनको कूट दिया है और इनमें इतनी चिकनाई, इतनी फिसलन होती है जैसे इनको पता नहीं साबुन कोट रखा हो। तो इसलिए इनको एक बार ऐसे कूट के और अब बारी ऐसे पीसने की। और ये देखो, ये आपस में खुद ही ऐसे चिपक जाता है ये। तो अब इसको पीसने की प्रोसेस शुरू करेंगे जैसे मिर्च मसाले पीसते हैं हम लोग। अरे मेरी वीडियो दही सा ना मिलवा लिए था निपटा दिल तब। तो ये हमारा लेप तैयार हो चुका है, इतना हार्ड, इतना चिपचिपा। और इसका लेप करके उसके ऊपर पट्टी कर देंगे बढ़िया से और बछड़ा एक हफ्ते के अंदर बिल्कुल ठीक, बल्कि दो तीन दिन में, तीन चार दिन के अंदर बिल्कुल चलने फिरने लग जाएगा। अड़पट दर्द ये है पट्टी जो कि हम उस पर करेंगे। Should that?
आना चाहो तुम छाने जल्दी आओ। तो ये पहुंच गया हम गौशाला में, और पहले यहाँ पे थोड़ा आग जगा लेते हैं। और ये देखो दिख रहा है कि नहीं, इसको लग रहा था मैं इसके लिए कुछ खाने के लिए ला रखा हूँ। बेटा सब खही पीत निकल गया तेरी। रुख रख देंगे यहाँ पे, पहले आग दिलाएंगे ताकि यहाँ पे उजाला थोड़ा हो जाए। टॉप गोड़ी यार प्याज भी ले दे, आंख नहीं देखनी है। दे अंदर होने दिखा दे पिल्ला रा यू डोंट वांट टू चैट। हर काटा रुक जा। तो इसको जो माल पानी खिला रखा था सब वेस्ट हो गया एक हिसाब से, क्योंकि जिस दिन लगी थी पैर पे बहुत ज़्यादा ब्लडिंग इसकी हो गई थी। लेकिन कोई बात नहीं, इससे जल्दी ठीक हो जाएगा पहले की तरह। तो दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, और ये कर दी हमने बढ़िया से पट्टी भोला की। तो आप लोग दुआ करें कि ये जल्दी ठीक हो जाए और पहले की तरह स्वस्थ हो जाए। और ये इस वीडियो में इतना ही, जल्द मिलेंगे कुछ और नई वीडियो के साथ। तब तक आप लोग अपना प्यार और अपना सपोर्ट जो है चैनल पे बनाए रखें। फेसबुक पेज पहाड़ी जंक्शन और इंस्टा आईडी पहाड़ी जंक्शन ऑफिशियल पे एक बार ज़रूर विजिट करें, वहाँ पे मैं कुछ बढ़िया बढ़िया पोस्ट करता रहता हूँ। तो वहाँ पे अगर पोस्ट आपको पसंद आती है तो वहाँ पे भी अपना प्यार और अपना सपोर्ट बनाए रखें। तो बस फिलहाल
इस वीडियो को यहीं पे करते हैं एंड। तो अपना ध्यान रखिए, बाय बाय, टेक केयर।